एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइज फैंटास्टिक और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज संडे है यार, मैंने सोचा कि बहुत दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया, तो चलो आज व्लॉग शूट करते हैं। और थोड़ा सा स्पेशल ओकेजन भी है। स्पेशल ओकेजन क्या है? कल साईं का बर्थडे है, तो बस थोड़ा सा मुझे उसी के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए मार्केट जाना है, क्योंकि एक सेलिब्रेशन रात को होगा आज, और एक जो कल होगा वो तो आपको दिखाएगा। मैं व्लॉग अपलोड करूँगी तो आप सब देखेंगे ही। तो अभी मैं नहा के अभी रेडी तो नहीं हूँ, अभी नहा के आई हूँ, तो पहले फटाफट से जाएंगे खाना बनाने। और मुझे आज एक्चुअली डॉक्टर के पास भी जाना है, वो मेरे हेयर ट्रीटमेंट के लिए जाना है। यहाँ पे एक स्किन के डॉक्टर हैं बहुत अच्छे, तो उन्हीं के पास आज मुझे जाना है। तो यहाँ बस मैं यहाँ पर अभी निशु का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए तो उसके बाद फिर मैं वो साथ में जाएँगे। तो चलिए चलते हैं, जो भी होगा सब आपको व्लॉग में दिखाएंगे। तो व्लॉग में फिर हम लोगों को जो भी चीज़ें लेनी थी, तो मैं और निशु निकले मार्केट के लिए। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और फिर आपके आगे सब कुछ वीडियो में देखने को मिलता ही रहेगा व्लॉग में, तो स्टे ट्यून और व्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा। और एक्चुअली मैंने बताया था ना कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं और निशु वहीं पर पहुँचे। और ये डॉक्टर जो है वो स्किन के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, यहाँ पर मैंने सुना है इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद वहाँ से दिखाने के बाद उन्होंने मुझे मेरे सर में जो है मेरे हेयर्स में इन्फेक्शन बताया है काफ़ी ज़्यादा। फिर हम लोगों को भूख लगी हुई थी, क्योंकि ना मैंने ही सुबह से कुछ खाया था, ना ही निशु ने ही खाया था कुछ। तो वहीं पास में एक रेस्टोरेंट था, तो हम लोग मॉर्निंग में वहाँ गए, और इस समय 3 बज रहे थे। बस सुबह वही जो चाय वाय पी थी, बस वही सब पिया था। तो यहाँ के हम लोगों ने अपना ऑर्डर किया, जो भी हम लोगों को चाहिए था, तो बट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही ऑर्डर कर लिया था, उतना हम लोग खा भी नहीं पाए थे। तो फिर लास्ट में हम लोगों को जो था उसे हमें पैक भी करवाना पड़ गया था। तो यहाँ पे वही हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्या मंगवा लिया जाए। मेरा साउथ इंडियन मन था, लेकिन उसने बोला कि नहीं, ये नहीं खाते हैं, सैंडविच वगैरह मंगवा लेते हैं नॉर्मल सा। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोडेड चीज़ सैंडविच दे दी थी, जो अच्छा था टेस्ट में, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। और हम लोगों ने साथ में हाका नूडल्स मंगवाया था, तो हम लोगों ने वो खाया। और फिर हम लोग यहाँ पे आपस में बैठ के बातें भी कर रहे थे। आपको एक और चीज़ बतानी है, बहुत जल्द एक और आप लोगों के साथ मैं गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, तो वो मैं बाद में रिवील करूँगी कि क्या होने वाला है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने साथ में फ्रेंच फ्राइज़ भी मंगवाया था, तो मैंने और निशु ने फ्रेंच फ्राइज़ खाया। और उसके बाद लास्ट में हमारा आया था ये सैंडविच, चीज़ सैंडविच, चीज़ ग्रिल सैंडविच था। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल के, मुझे सूट वगैरह एक्चुअली लेना था, तो फिर मैं वहाँ पे भी गई थी, लेकिन उससे पहले हम लोगों को डेकोरेशन का सामान लेना था, तो हम लोग उस वाली शॉप पे गए थे। यहाँ होलसेल सप्लायर हैं भैया, तो हमेशा मैं इनके यहाँ से ही लेती हूँ, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस भी रहता है। तो मैंने यहाँ से जो भी बलून्स वगैरह मुझे चाहिए थे, तो वो सब लिया। डेकोरेशन वगैरह सब आपको लास्ट में देखने को मिलेगा व्लॉग में, तो व्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने पैक करवाया, और उसके बाद फिर हम लोग गए ट्रेंड्स, क्योंकि वहाँ से मैंने सोचा था कि साईं के लिए कुछ ले लेते हैं गिफ्ट उनके लिए। तो मुझे कुछ और समझ में नहीं आया, बोलते हैं परफ्यूम वगैरह हस्बैंड को नहीं देना चाहिए, वॉलेट में हर साल देती हूँ, तो इस साल मैंने सोचा कि कुछ और देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ आए, और यहाँ पे हम लोगों ने अपना शर्ट टी शर्ट वगैरह जो जो मुझे लेना था वो सब लिए। और फिर मैंने यहाँ से फिर मैं गई दूसरी शॉप पे, जहाँ से मुझे अपने लिए सूट चाहिए था, तो फिर मैंने यहाँ से एक दो सूट खरीदे अपने लिए। और इसको मैंने स्टिच करवाने के लिए, क्योंकि रेडीमेड तो मैं हमेशा ही पहनती हूँ, फिर मैंने स्टिच करवाने का इस बार सोचा था। फिर उसके बाद मैं गई थी पार्लर, जहाँ पे मुझे थ्रेडिंग करवानी थी, तो मैंने वो करवाया। उसके बाद यार आज तो मार्केट में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रोज़ेज़ ही मिल रहे थे। ये व्लॉग थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है जॉब की वजह से, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन चलिए, आप लोगों के लिए मैंने इसको एडिट किया हुआ था, तो मैं इसको अपलोड ज़रूर करूँगी। और यहाँ से मैंने लिए साईं के लिए बहुत सुंदर सा चॉकलेट का बुके मंगवाया था। एक्चुअली चॉकलेट इनके पास थी नहीं, तो फिर हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लिया था मैंने कि मुझे कैसा चाहिए। फिर भैया ने बोला कि जाइए आप चॉकलेट ले आइए जाके, तो फिर मैं उसको उसमें अरेंज कर दूंगा सारा। तो फिर मैं और निशु अभी जाऊंगी मैं चॉकलेट लेने अपना, और यहाँ पे वही डिस्कशन चल रहा है कि मुझे कैसा बनवाना है एग्जैक्टली। और इतना ज़्यादा, मतलब जैसे बोलते ना कि ओकेजन पे इतनी लूट मची हुई है कि यार 50 to 70 rupees की ये पिंक वाले फ्लावर्स मिल रहे थे, लिटरली इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव। और फिर उसके बाद ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 25 रुपए के रहते हैं, और इतना सुंदर लग रहा था यार आज ना इस वाली लेन में, कि हर तरफ केवल रोजेज रोजेज थे। ऐसा कहते हैं कि फ्रेश फ्लावर्स अपने घर में आपको रखना चाहिए, इससे बहुत अच्छी वाइब आती है, आपका रिलेशन जो होता है काफ़ी हेल्दी होता है। तो अभी मैं जस्ट घर आई हूँ थोड़ी देर पहले,
तो बहुत सारी चीज़ें ली आप लोगों ने जैसे देखा। तो अभी मैंने एक अलग से रोज़ लिया था, तो मैं चल रही हूँ अभी, वो साइन को दूंगी और उसके बाद उनका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। अभी सेलिब्रेशन वगैरह तो सब रात को होगा, थोड़ी सी प्रिपरेशन वगैरह करूँगी। पता नहीं क्यों मुझे बड़ा डर सा लग रहा है, डर क्या, बहुत ज़्यादा गूज बम्स आ रहे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और अभी पीछे वाले घर भी जाएंगे क्योंकि अम्मा आ गई हैं हॉस्पिटल से, तो उनको देखने जाएंगे। तो चलिए चलिए, साईं के बर्थडे की थोड़ी सी डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है। ये स्टैंड आप जो देख रहे हैं ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और ये फ्लावर्स वाले पेटल्स भी हैं। ये बहुत टाइम पहले का था, मैंने यूज़ नहीं किया था, तो अब सोचा कि यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे निशु हैं जो डेकोरेशन कर रही हैं अपने जीजा के बर्थडे का डेकोरेशन। और ये रहा छोटू सा मिनी सा केक हमारा, ये है छोटा सा केक हमारा सुंदर सा। अभी तो ये एक केक है, अभी कल वाला सेलिब्रेशन। रही बात खाने वाने की, तो वो सब मैंने आके फटाफट से बना बना लिया था खाना वाना अपना सारा। तो बस इस समय 9:30-10 बजे के आसपास का टाइम होगा, सबको खाना वाना खिलाएंगे। थोड़ा सा ये रूम हम लोगों ने बंद कर रखा है इस टाइम पे, डेकोरेशन वगैरह हो जाए अच्छे से, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते। और यहाँ पे 12 बज गए थे तो मैं गई थी साईं को लेकर, यार अगले दिन मेरा स्कूल भी है। एक्चुअली 14 को ऑफ था स्कूल, तो इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा टाइम मिल गया ये सब कुछ करने का, वरना फिर मैं नहीं कर पाती। और फिर उसके बाद ये आप स्टैंड देख रहे हैं, ये मैंने ऑनलाइन लिया था, मीशो से मैंने इसको मंगवाया था बर्थडे के लिए स्पेशली। और फिर यहाँ पे केक जो है वो आज का मैंने केक जो है बहुत छोटा सा ही करवाया था। और यहाँ पे फिर किक्की को कॉल किया जा रहा है, और यहाँ पे सब लोग उसको इस बात के लिए कह रहे थे कि साईं का बर्थडे किक्की भूल गई, लेकिन ऐसा था नहीं, उसे याद था उनका बर्थडे। और यही आप बुके जो देख रहे हैं यही मैंने साईं के लिए मंगाया, क्योंकि उनको डेरी मिल्क वगैरह उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, साईं को 5 स्टार जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो वो और सारा डेकोरेशन जो है वो निशु ने किया है, और मैंने आपको दिखाया था ना कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेके काफ़ी अच्छा सा आप चीज़ें कर सकते हैं। और ये रहा कुछ सेलिब्रेशन हैप्पी बर्थडे का रात का। दिन जो शाम का सेलिब्रेशन होगा वो थोड़ा और अलग होगा, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, इसका व्लॉग पार्ट 2 भी शूट होगा। केक कट करो साईं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर साईं, हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर यहाँ पे वही केक खिलाने का सिलसिला फिर से शुरू होता है। सबसे पहले मम्मी आई, और ये इधर सब लोग वीडियो कॉल पे थे, और फिर उसके बाद बारी आई मेरी, मैंने साईं को केक खिलाया और मैंने साथ में उनको बुके दिया। मेरा गिफ्ट जो भी था वो भी मैं अभी इनको लास्ट में दूंगी, जो मैं उनके लिए लेके आई थी। यार लड़कों का समझ में नहीं आता है कि उनको दो क्या, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मिलता भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके चीज़ों को लेके। और इसमें से एक शर्ट जो है, वो टी शर्ट जो है, वो साईं की पहले खो गई थी, तो मुझे आज दोबारा दिखी, तो मैंने उनके लिए वही करी क्योंकि उनको बहुत पसंद है वाइट कलर। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे व्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा। और फिर इसका व्लॉग पार्ट 2 भी मैं अपलोड करूँगी अपने चैनल पर, तो स्टे ट्यून। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, अच्छे से विशेस दीजिए साईं को बर्थडे की। फिर लास्ट में चांस आती है निशु की, और यहाँ पे किकी को भी केक खिलाया जा रहा है फ़ोन में फॉर्मेलिटी के तौर पर। और अभी दिन का सेलिब्रेशन जो है वो कल शाम को होगा, तो वो भी मैंने जैसे बताया मैं अपलोड करूँगी। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।